नमस्कार, टुडे वी हर न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। संपूर्ण देश में 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। देश में बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने देशहित में एक बड़ा ऐलान किया, बड़ा फैसला लिया कि देश में 19 दिनों तक और लॉकडाउन बढ़ाए जाएंगे। 14 अप्रैल को देश में 21 दिनों का लॉकडाउन खत्म हो रहा था और लॉकडाउन खत्म होते ही पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया और 14 अप्रैल को उन्होंने ऐलान किया कि ये लॉकडाउन अब 3 मई तक जाएगा। 20 अप्रैल तक जिस जिले में, जिस क्षेत्र में कोरोना वायरस के मरीज नहीं मिले होंगे, संक्रमित मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी होगी और ना ही वहां के कोरोना हॉटस्पॉट बने होंगे इलाके, तो वहां पे विशेष छूट दी जाएगी। लेकिन इसी बीच कल मधुबनी में पीएम नरेंद्र मोदी और देश के विभिन्न मीडिया कंपनियों के पुतले दहन किए गए। तस्वीरें देखिए आप, टुडे बिहार न्यूज पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिहार के मधुबनी की ये तस्वीरें हैं। किस तरह से लॉकडाउन के अनाउंसिंग के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया, पुतला फूंका गया। भारतीय विकास मित्र के, भारतीय मित्र पार्टी के अध्यक्ष धनेश्वर महतो के द्वारा, और कहा गया कि ये मजदूरों के हित के लिए नहीं है। लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था अपने संबोधन के दौरान कि ये देश हित के लिए, और मजदूर भी तो इसी देश के हिस्से हैं, इसी देश के निवासी हैं। उन्होंने देशहित में फैसला लिया है। पीएम के फैसले के बाद अब मधुबनी में विरोध हुआ है। मधुबनी में उनके पुतले फूके गए हैं। धनेश्वर महतो ने अपने दरवाजे के सामने पुतला फूका है और कहा है कि हमें ये लॉकडाउन मंजूर नहीं है। हम लॉकडाउन का स्वागत तब करेंगे जब मजदूरों की हित की बात होगी, भूखे जो फंसे हुए हैं कहीं पे उनके हित की बात होगी। फिलहाल इस दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए टुडे बिहार न्यूज़।